पाकिस्तान में सऊदी एयरलाइंस के जहाज में लगी आग, 300 यात्री थे सवार। सऊदी एयरलाइंस 792 गुरुवार सुबह पेशावर के बाचाखार एयरपोर्ट पर पहुंची थी। इस दौरान रनवे के पास लूप में घूमते समय विमान के बाएं लैंडिंग गियर में धुआं उठा और आग की लपटें उठने लगी। दिल्ली NCR में आज फिर बारिश होने की पूरी संभावना। इस प्रकार भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। IMD के मुताबिक इससे कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का भी खतरा है। टैरिफ में बढ़ोतरी करने के साथ ही रिलायंस जियो ने अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल करने के लिए नियम बदल दिए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने 3 नए प्लान पेश किए हैं। इनकी कीमत 51 रुपए से शुरू होकर 151 रुपए तक जाती है। इसकी वैधता अब इन प्लान के एक्टिव रहने तक की ही रहती है। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अभी तक मध्य प्रदेश में इस साल औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटावार और संविदा कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ देने का आदेश दिया है। साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की मेजबानी में होना तय हुआ है। इस इवेंट से पहले ही BCCI के सचिव जय शाह ने ये कह दिया था कि भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा, लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारियों में जुटा हुआ है। T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का हिस्सा रहने के बावजूद यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को पूरे टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला था। वहीं अब दोनों को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। झारखंड में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार की बड़ी स्कीम 200 यूनिट फ्री बिजली की गणना 1 जुलाई से होनी शुरू हो गई है। यानी 1 जुलाई से सारे उपभोक्ताओं को फ्री बिजली का लाभ मिलना शुरू हो गया है। भारत सरकार लगातार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में सरकार किसानों के हितों को देखते हुए खास तौर पर उनके लिए कई योजनाएं चलाती है। केंद्र सरकार के पास ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनंत अंबानी और राधिका की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई आएंगे। इस दौरान वह शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ममता बनर्जी की शरद पवार और उद्धव ठाकरे से यह पहली मुलाकात होगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि 12 जुलाई को महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद का चुनाव होना है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हैं। रणनीति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने विधायक को बचते नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, मणिपुर को अस्थिर हुए 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। यहाँ के लोग हिंसा, हत्या, दंगा और विस्थापन झेल रहे हैं। हजारों मासूम राहत कैंप के रहने को मजबूर है। आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर पर अपना मुंह कब खोलेंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह का पहला मध्य प्रदेश का दौरा होने वाला है। गृह मंत्री 51 लाख पौधारोपण अभियान में शामिल होने के अलावा PM श्री एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर तैयारी तेज हो गई है। राजस्थान में पानी की किल्लत से सभी परेशान है, इसलिए पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राजस्थान में अब हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत योजना 2.0 के तहत 5,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार की हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के लिए विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध महिला लाभार्थियों के मौजूद आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले घोषित इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे।